आज हम बनाएंगे घर पर भुने चने की स्वादिष्ट मिठाई। आप सभी जानते हो भुने चने, काले चने हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भुने चने की बर्फी बनाना। तो यहाँ पर मैंने भुने चने लिए हैं। चने का वजन 500 ग्राम है। इसको एक बर्तन में डाल देंगे। सबसे पहले इसका छिलका हटा देंगे। छिलका हटाकर अलग कर देते हैं। इस तरीके से छिलका हटाएंगे तो आपका घर भी खराब नहीं होगा। अभी मैंने काफ़ी हद तक हटाए। इस तरीके कैसे हम और भी इसे क्रश करना होगा जिससे पूरा छिलका हट जाए। बहुत ही हेल्दी होते हैं भुने चने। अब हमने सारे छिलके हटा लिए हैं और अब हम भुने चने की बर्फी बनाते हैं। यहाँ पर हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई, जिसमें डालेंगे एक टेबल स्पून घी। इसमें हमने चने को डाल देंगे और चने को घी पर ही भुनेंगे। वैसे तो ये भुने हैं पर फिर भी हम इसको और भुनेंगे, इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट देते हैं। चने खाने से हमारा पेट भरा रहता है, लंबे समय तक ओवर ईटिंग से बचते हैं, वजन कंट्रोल में रहता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, सर्दी जुकाम जैसे बीमारियों से लड़ने में इससे मदद मिलती है। यही नहीं, आप मिठाई बनाकर ही खाइए। इसका सेवन आप रोज़ एक मुट्ठी के बराबर करते हैं तो इससे हमारा पाचन तंत्र के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। आपको इसको ज़रूर खाना चाहिए, आयरन की कमी दूर करता है। अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही है किसी भी वजह से, आप थोड़ा हेल्दी खाना चाह रहे हो, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। अगर आप जिम जाते हैं तो आपको कम से कम एक छोटी कटोरी भुने चने जरूर खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलता है, फाइबर बहुत ज़्यादा मिलता है। अब इसमें एक बढ़िया सी चीज़ डाल रही हूँ, वो है दूध। भुने चने में आप दूध डालकर बनाए जो इसका स्वाद है बहुत ही बढ़िया बनेगी। यहाँ पर मैंने दूध का यूज किया है। टोटल इसमें बर्फी बनाने के लिए 1 किलो दूध का यूज किया है। इसे उबाल उबाल कर मैंने आधा कर लिया। आपने देखा एक बड़ा सा बाउल दूध इसमें डाल दिया था। आगे भी हम दूध का यूज करेंगे। दूध डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होगा। अब हमने इसे अच्छे से पका लिया है। थोड़ा दूध बच गया है, फिर इसे ठंडा कर लेंगे। इसका स्वाद इसलिए अच्छा आएगा, पहले हमने इसे घी में भून लिया है, उसके बाद हमने इसको दूध में पका लिया है, तो उससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब आपको मावे की ज़रूरत भी नहीं। यहाँ पर मैं इसको पीसने जा रही हूँ, तो पीसते टाइम मुझे दूध की ज़रूरत होगी। अब मैं इसको डाल रही हूँ। सारे चने मैं एक ही बार में पीस लूँगी। आप थोड़ा थोड़ा करके भी पीस सकते हो, आपको पीसने में आसानी होगी। दूध डालने से क्या होता है कि ये परफेक्ट तरीके से पीस जाता है। सारे भुने चने हमने अच्छे से पीस लिए हैं। पीसने में मैंने 1 गिलास दूध यूज किया है। बहुत ही कम मेहनत में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। ना तो चाशनी बनाने का टेंशन, ना मावे का झंझट, बहुत ही अच्छी लगेगी बर्फी। अब इसी कढ़ाई में हम सारा मिश्रण डाल देंगे। अब यहाँ पर मैं मीठा यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने चीनी यूज की है। चीनी को मैंने पीस लिया था ताकि अच्छे से घुल जाए। करीब 200 ग्राम चीनी ली है। अगर आप मीठा बढ़ाना चाहते हैं तो चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब हम इसको मिला लेंगे। अब इसको भुनना शुरू करेंगे। ये दानेदार सी बर्फी अच्छा लगेगा। खूब सारा दूध में भून भून कर बनाया है। बहुत ही कम मेहनत में बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए काफ़ी ठीक हो गई है। अब हम यहाँ पर 2 चम्मच घी डालेंगे। घी इसलिए भी डालना ज़रूरी है, ये चिपक रही है। इसके साइड जब तक पूरा छूट ना जाए तब तक आप इसे भूनते रहें। अब लास्ट में 1 छोटी चम्मच भर के इलायची पाउडर डाल देंगे। अगर आपको ये मिश्रण ठीक लगे तो दूध और घी आपने अपने अनुसार भी डाल सकते हैं ताकि अच्छे से भुन जाए। देखना कितने मिनटों में ये बर्फी तैयार हुई है। कोई पहले से आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सेट होने के लिए हम थाली में घी लगा लेंगे ताकि इसमें चिपकेगा नहीं। 1 लीटर दूध इसमें ज़रूर डालिए क्योंकि ये मावे की बर्फी रहेगी। और इसकी खास बात यह है, बर्फी में फ्रिज में भी रखेंगे तो हार्ड नहीं होगी। उसका कारण यह है कि इसमें घी हमने कम मात्रा में यूज किया है, मावा यूज नहीं किया है। ये भारी नहीं लगेगी खाने में, ये हल्की लगेगी। एक ट्रे या थाली में इसको मिठाई को सेट कीजिए। मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट के कतरन डाल रही हूँ। भुने चने जल्दी से सेट हो जाते हैं, फिर भी जब तक ये सेट ना हो जाता अच्छे तरीके से कट करने की जल्दबाजी मत कीजिए। इसे 10 से 15 दिनों तक आराम से स्टोर कर सकते हैं।
चाहे फ्रिज में रखें या बाहर। अब इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से सेट न हो जाता। अब 3 घंटे मैं आपको काट करके दिखा रही हूँ ये किस तरीके से बढ़िया से कट रही है। आप अपने पसंद के शेप में काट लीजिए। आपने कई तरह की मिठाई बनाई होगी, ये देखिए कितना अच्छा शेप आया है। और जो इसका दरदरा है, इससे ऐसा लग रहा है जैसे भुना हुआ खोया है। बहुत ही अच्छी लग रही है बर्फी, देखने में भी और खाने में भी। तो दोस्तों रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।